नई स्थित अम्बेडकर पार्क मुरादाबाद में अखिल भारतीय अम्बेडकर युवक संघ के तत्वावधान में भारत रत्न बोधिसत्व बीआर अम्बेडकर साहब का 131वां जन्म दिवस भव्य रूप से मनाया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में लक्ष्मी नारायण ने बाबा साहब का भारत निर्माण में योगदान पर प्रकाश डाला। मुख्य वक्ता लोकतंत्र बचाओ मोर्चा आंदोलन के राष्ट्रीय अध्यक्ष सतीश बोध ने बाबा साहेब के 40 वर्षों के संघर्षों को बताया। राज्यसभा सांसद वीर सिंह ने अपने कार्यकाल में संसद में उठाए गए प्रश्नों पर ध्यान आकर्षित किया। वरिष्ठ अतिथि अंजना निमेश ने बाबा साहब द्वारा महिलाओं के लिए किए गए कल्याणकारी कार्यों पर प्रकाश डाला। इसके अतिरिक्त अन्य वक्ताओं ने अपने अपने विचार रखे। इस मौके पर डॉक्टर अम्बेडकर सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता 2021 में विजेता प्रतिभागियों को पुरस्कार वितरण किए गए। अंत में कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे उनके अध्यक्ष महावीर प्रसाद मौर्य ने कहा कि बाबा साहब के विचार धारण किए बिना भारत सोने की चिड़िया नहीं बन पाता। कार्यक्रम का संचालन संघ के महामंत्री केपी सिंह ने किया और अध्यक्ष ने सभी अंगतुकों का आभार व्यक्त कर सभा का समापन किया। बाबा साहब के बारे में अवगत कराया था। सम्मानित साथियों, इस सामाजिक परिवर्तन की लड़ाई को हजारों हजारों साल से हमारे देश में हमारे महापुरुषों ने लड़ा, जैसे ज्योतिराव फूले जी, छत्रपति शाहू महाराज जी, बैरियर जी, गुरु नारायण जी, परम पूज्य डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब और माननीय कांतिराम साहब, इन्होंने सामाजिक परिवर्तन की लड़ाई को लड़ा। और यहाँ वर्तमान में पूरे देश में यदि सामाजिक परिवर्तन की लड़ाई को कोई लड़ना है तो आज पूरे देश में बहन कुमारी मायावती जी सामाजिक परिवर्तन की लड़ाई को लड़ रही है। सम्मानित साथियों, अभी हमारे युवा साथी जो हमारे संतोष जी बोध जी ने बाबा साहब के बारे में उनके दर्शन के बारे में उनके संघर्षों के बारे में आपको काफी अवगत कराया है। मैं 90 परिवेश में नहीं जाऊंगा, मैं वर्तमान की परिस्थितियों के बारे में आपको अवगत कराना चाहता हूं। मैं कंटिन्यू 18 साल राज्यसभा का सदस्य रहा हूं और कंटिन्यू राज्यसभा में सेकंड क्लास का 18 साल रहने वाला पूरे देश में मैं कराना व्यक्ति हूँ। आज ये 14 अप्रैल का प्रोग्राम हमारा जो है अखिल भारतीय अम्बेडकर युवक संघ की ओर से मनाया जा रहा है और पूरे विश्व में इसको मनाया जा रहा है, क्योंकि ये आज सारा बौद्धिस्टों का और जो बाबा साहब के लिए आई है उनके लिए एक बहुत ही गौरव और गर्व का दिन है। आज तो सभी बड़े खुशी और हर्षोल्लास से इसको मना रहे हैं, क्योंकि पूरा भारत इसको मना रहा है। हम चाहेंगे आज के दिन कि मानवता को पहचाने और मानव ही रहे, क्योंकि कोई जात ऊंच नीच का भेदभाव नहीं होना चाहिए। कि बाबा साहब और तथागत भगवान बुद्ध ने यही संदेश दिया है कि मानव होना चाहिए, उसके अंदर कोई जात नहीं होती है। जात जो होती है पशु और जानवरों में होती है। इसलिए आज हम सभी पूरे देश और प्रदेश के सभी नागरिकों को बहुत बहुत शुभकामनाएँ मंगल कामनाएं देते हैं। सभी को जय भीम। नव उद्धार की भांति इस वर्ष भी बाबा साहब डॉक्टर बीआर अम्बेडकर का 131वां जन्म दिवस समारोह मुरादाबाद की पावन धरती पर मनाया गया है। तो सुबह 9 बजे से 11 बजे तक दीप प्रज्वलित, बुद्ध वंदना और माल्यार्पण का कार्यक्रम था। उसके बाद जनसभा शुरू हुई, उसके बाद जो डॉक्टर अम्बेडकर समाज ज्ञान प्रतियोगिता कराई गई थी संकेत तौर से, उन बच्चों का जो है सम्मान समारोह हुआ और पूरे भारत में जैसा कि बाबा साहब की जयंती मनाई जा रही है उसी श्रृंखला में मुरादाबाद की धरती पर भी बाबा साहब की जयंती मनाई गई है और मैं संघ की तरफ से पूरे देशवासियों को बाबा साहब के जन्मदिन पर हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। यहाँ से बुलंदशहर से आए हैं और देहरादून से आए हैं और गाजियाबाद से आए हैं और बाकी सब हमारे मुरादाबाद के यहाँ के लोग। कोई विशेष अपील करना चाहते हैं जी? कोई विशेष अपील? हाँ, इस मौके पर यही अपील करना चाहेंगे कि बाबा साहब का जो दर्शन है वो भारत के प्रत्येक नागरिक तक पहुँचे और भारत का विकास हो, क्योंकि बाबा साहब किसी एक जाति वर्ग विशेष के नहीं थे। बाबा साहब संपूर्ण भारत के नहीं बल्कि संपूर्ण संसार के हैं और जहाँ जहाँ बाबा साहब के दर्शन
दर्शन को लेकर काम चल लिया है, वो देश तरक्की कर रहे हैं। इसलिए भारत की जनता से भी हम अपील करना चाहते हैं कि बाबा साहब को जाति धर्म से ऊपर देखें और उनके साहित्य को स्वीकार करते हुए भारत को दोबारा से सोने की चिड़िया बनाने में प्रयास करें। कौन कौन सी पार्टी के लोग यहाँ आए थे? यहाँ सभी पार्टियों के लोग आए हैं, यहाँ कोई किसी का फाउंडेशन नहीं है। बाबा साहब की तरफ से सबके लिए जो है खुला दरबार है। सब सुबह से जो है हर पार्टी हर समाज सेवा से यहाँ समाजसेवी संगठनों से लोग आ रहे हैं और बाबा साहब को माल्यार्पण कर रहे हैं, नमन कर रहे हैं और सुबह से पूरे भारत में नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड में जय जयकार हो रही है बाबा साहब। ठीक है सर।